हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है ना काफी इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको लीनियर में बताने वाला हूँ ए एस ए टी मेथड। ओके, आप कहोगे कि सर ये क्या एस सून एस पॉसिबल मेथड? अरे बेटा, एस सून एस पॉसिबल मेथड नहीं है, ये मेथड है ना ऐसे टाइम पे काम आएगी जब आपको है ना एलिमिनेशन मेथड हेल्प क्वेश्चन में नहीं करेगी, वो टाइम पे आपको ये मेथड काम आएगी। ओके, चलो देख लेते इसके क्वेश्चन, एक क्या है एग्जैक्टली ये मेथड, कब अप्लाई करनी है, सारी बातें बताऊंगा। बट यार वीडियो लास्ट तक देखो, तब जाके ये पॉसिबल है। ओके चलो, अब मैं आ जाता हूँ एक क्वेश्चन पे जो आपके ही टेक्स्ट बुक का और 1.1 का ही है। अभी क्वेश्चन में 99101 ऐसी वैल्यू दिख रही है, और जब इसके कोएफिशिएंट मैच करने जाओगे तो यार एक ही ऑप्शन बचता है कि एक को 99 से मल्टीप्लाई करो, एक को 101 से मल्टीप्लाई करो। अब यार इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बाकी के सब सम कब करेंगे एग्जाम में आएंगे तुम? तो ऐसे टाइम पे हमने एक मेथड डेवलप किए, ए एस ए पी मेथड। इसका मतलब होता है एड सब्ट्रैक्ट एड एंड पुट। ओके, मतलब एड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, एड कर देना और पुट कर देना, और इसमें मेरा एडिशनल लिख लो 1 2 3 4। ओके, तो ये मेथड कुछ इस तरीके से आपको लिख लेनी, ए एस ए पी 1 2 3 4। क्या है पूरी बातें वीडियो में पता चल जाएगी। देखिए, अब सबसे पहले ये मेथड अप्लाई करने का सबसे पहला रूल कि यार दोनों के कोएफिशिएंट है ना मैच होने चाहिए, एक्स के कोएफिशिएंट वाई पे होने चाहिए और वाई के कोएफिशिएंट एक्स पे होने चाहिए। तो यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट वाई पे है और वाई के कोएफिशिएंट एक्स पे है। ओके, तब जाके ये मेथड हम अप्लाई कर सकते, अदरवाइज करना मत। ओके चलो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते क्वेश्चन में। सबसे पहले मेथड का नाम क्या है, ए एस ए पी। ओके 1 2 3 4। चलो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले आपको पहले दो स्टेप है ना वो इक्वेशन 1 और 2 को लेके करने, और बाद के दो स्टेप है ना इक्वेशन 3 और 4 को लेके करने। उसके लिए मैंने कुछ इस तरीके से नाम दिया ए एस ए पी 1 2 3 4। ओके, ए एस ए पी 1 2 3 4। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, देखो यहाँ पे दिया है 99x प्लस 1015 इज इक्वल्स टू 499। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ओके चलो, नाउ पहले सबसे पहले मैंने बोला कि a का फुल फॉर्म होता है एडिंग। कौन से दो इक्वेशन के बीच में ऐड करना है, फर्स्ट और सेकेंड। ये आपको मैं लिखवा के नहीं दूंगा, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने जो मेथड का नाम दिया उसमें ही आपको ये सारी बातें मिल जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 99x plus 101y is equals to 499, okay? And second दिया आपको 101x plus 99y is equals to 501। नॉर्मली जैसे आप ऐड करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे क्या कर देना, ऐड कर देना। ओके चलो, बीच में ऐड का साइन कर लेता हूं मैं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, दोनों को प्लस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 200x plus 200y is equals to 1000। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में 200 सब जगह पे सेम दिख रहा है, तो मैं डिवाइडेड बाय 200 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 200। जब मैं 200 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा y, 1000 डिवाइडेड बाय 200 सो यू विल बी गेट 5। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखो कहाँ पे वो 99x plus 101y is equals to 499 था और कहाँ पे x plus y is equals to 5। जैसे पहला इक्वेशन छोटा हो वैसे दूसरा इक्वेशन भी छोटा करके मैं आपको दे देता हूँ। ओके चलो, तो s का फुल फॉर्म होता है सब्ट्रैक्ट। चलो सब्ट्रैक्ट करना है तो काफी सिंपल, सब्ट्रैक्ट के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 99x plus 101y is equals to 499 और सेकेंड इक्वेशन है 101x plus 99y is equals to 501। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे ही सब्ट्रैक्ट करो। बट एक बात याद रखना, सब्ट्रैक्ट करते टाइम सारी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, सारी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलो साइन चेंज कर ली तो यहाँ पे आ जाएगा -2x plus 2y
इज इक्वल्स टू माइनस टू. अब देखो यहाँ पे टू कॉमन आ रहा है तो मैं डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा, टू या फिर माइनस टू. क्यू माइनस टू तो डिवाइडेड बाई टू से भी कर सकते हो, माइनस टू से भी कर सकते हो. अब माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू, सो यू विल बी गेट एक्स. नाउ प्लस टू वाई अपॉन माइनस टू, माइनस माइनस कैंसल, आंसर आ जाएगा माइनस में. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन माइनस टू, सो यू विल बी गेट वन. अब ये इक्वेशन कितने छोटे हो गए, अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो. तो ए एस तो हो गया, ए का मतलब भी पता चल गया, एस का मतलब भी पता चल गया. नाउ ए पी पे आ जाते हैं. ओके, तो ए का फुल फॉर्म था एडी, वो जो आपको ए दिया था उसका फुल फॉर्म क्या था, एडी. बट अब जो होगा वो किसके बीच में होगा, थ्री और फोर के बीच में. वेरी गुड. तो पहला इक्वेशन मिला मुझे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, सेकेंड इक्वेशन मिला मुझे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन. फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये दो इक्वेशन मिले हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन. ओके, दोनों को क्या कर देना, एड करेंगे. ओके, तो ये दोनों कैंसल. नाउ टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टू, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री. एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री. ओके, एक्स का वैल्यू थ्री मिल गया. सो नाउ अब क्या कर देना है, पुट कर देना है, पी फॉर पुट. पुट करना है मतलब कहीं पे भी सब्सिट्यूट कर दो. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर, वेरी गुड, थ्री में करना, वन टू में मत, क्योंकि वो काफी लंबे इक्वेशन है. तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, एक्स के प्लेस पे हम क्या कर लेंगे, थ्री पुट कर लेंगे. तो थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव. नाउ एक काम करो भाई, थ्री को यहाँ से हटा दो, इस साइड लेके जाओ. तो यहाँ पे आएगा वाई इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू टू, सो योर आंसर इज एक्स कॉमा वाई इज थ्री कॉमा टू. डन. चलो नाउ और एक एग्जाम्पल करते हैं इसके रिलेटेड, तो आपको काफी अच्छे से पता चले. चलो अब देखो यहाँ पे भी एक्स का कोएफिशिएंट वाई पे, वाई का कोएफिशिएंट एक्स पे, तब कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, ए एस मेथड. ओके चलो, सबसे पहला इक्वेशन लिख लेते हैं, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172. ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252. ये आपका सेकेंड इक्वेशन है. ओके चलो, नाउ अगर आप ये मेथड को ध्यान से देखो तो कौन सी मेथड अप्लाई करनी, ए एस ए पी. ओके चलो, सबसे पहले ए स्टैंड फॉर एडिंग. अब पहले स्टेप, पहला एडिंग किसके बीच में होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में. तो यहाँ पे आ जाएगा 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172. सेकेंड इक्वेशन इज 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252. ओके चलो, दोनों के बीच में क्या कर देना है, ऐड करना है. दोनों के बीच में क्या कर देना है, ऐड करना है. चलो ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये दोनों का एडिंग 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 424. अब 106 से डिवाइड कर दो. चलो तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 106, सॉरी डिवाइडेड बाय 106. तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 4. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3. चलो ऐड हो गया. देन आफ्टर सबट्रैक कर लेते हैं. सबट्रैक के लिए सबसे पहले 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172. यहाँ पे आ जाएगा 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252. चलो अब यहाँ पे कर देंगे सबट्रैक. सबट्रैक करेंगे तो सारी साइन क्या हो जाएगी, चेंज. सो यू विल बी गेट माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 80. ओके, 8 से डिवाइड कर दो. यहाँ पे लिखो डिवाइडेड बाय माइनस 8, तो यू विल बी गेट एक्स माइनस 8 अपॉन माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4. ओके, पहला इक्वेशन मिला आपको एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सॉरी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. एंड फोर्थ इक्वेशन मिला आपको एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये हो गया फोर्थ इक्वेशन. अब जो भी एड सब्ट्रैक्ट होगा वो किसके बीच में होगा, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में. तो यहाँ पे आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. चलो ऐड कर देंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा 2x is equals to 14, therefore x is equals to 7. x का वैल्यू 7 आ गया, पुट कर प्लेस कर दो, प्लेस x is equals to 7 इन इक्वेशन 3. ओके चलो, तो यहाँ पे आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x की जगह पे 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ पे 7 प्लेस चेंज करके यहाँ पे जाएगा तो माइनस, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3, y का वैल्यू आ गया 3. तब अप्लाई करना है एएसएपी मेथड, जब आपको लीनियर इक्वेशंस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व ना हो, x का कोएफिशिएंट y पे, y का कोएफिशिएंट x पे, तब ये मेथड अप्लाई करेंगे. आई होप ये मेथड आपको अच्छे से समझाओ, तो प्लीज आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए ये मेथड. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो. ओके, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके गाइस, थैंक यू सो मच.